अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? हमने इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नंबर लाइंस, तमाम चीज़ें पढ़ी थी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। देखें वो क्या है। आपको पता है तमाम चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, आपके आगे पीछे रखी हुई हैं, जैसे पेंसिल, बुक्स, कंप्यूटर्स, स्क्रीन्स, वो सब किसी चीज़ किसी और बनी हुई हैं, यानी कि कुछ डिज़ाइन है उनका। और किया है कभी? बिल्डिंग्स हैं, इंजीनियर जो बिल्डिंग बनाते हैं, या फिर हमारे घर में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और डिफरेंट थिंग्स जो भी आप आगे पीछे देखते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि आप अपने आप को देखें, वो भी डिफरेंट शेप्स बना रही हैं। तो शेप्स क्या हैं? पॉइंट से स्टार्ट होने वाली चीज़। लुक एट द स्क्रीन, हियर इज़ अ पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलके क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मे बी अ कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन मीट करती हैं और शेप्स बनते हैं, डिफरेंट शेप्स बनते हैं, जो कि 2D शेप्स कहलाते हैं, या फिर फ्लैट शेप्स कहलाते हैं। जब स्ट्रेट लाइन ऐसे कर्व लाइन जब राउंड होके मिलेगी तो सर्कल बन जाता है, देखें। और जब स्ट्रेट लाइन दो और तीन और चार, जब चार स्ट्रेट लाइन बनती हैं, मिलती हैं, तो स्क्वायर बन जाता है। और वही चार स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा अपना चेंज करती हैं तो फिर हमारा क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। और तीन स्ट्रेट लाइन जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट, तो बन जाता है ट्राइंगल। और ओवल कैसे बनता है? इट्स अ कर्व लाइन। तो ये तमाम शेप्स क्या कहलाते हैं? ये तमाम शेप्स कहलाते हैं फ्लैट शेप्स। आज अब आगे चलते हैं, इस दुनिया की तमाम चीज़ों को देखते हैं। आपने बॉल देखा है? बॉल, यस, सब ने देखा होगा। बॉल या फुटबॉल, वो कैसा होता है? वो कौन सा शेप है? इज इट अ सर्कल? नो, इट्स अ स्फीयर। वाई इट्स अ स्फीयर? वाई वी से इट अ स्फीयर? क्योंकि ये हर तरफ से गोल है। हमारा सर्कल सिर्फ लाइन मिलाते हैं तो बनता है, और वो आगे से शक्ल दिखाता है। लेकिन स्फीयर जो है वो हर तरफ से गोल है। जब आप अपने बॉल को हाथ में रखेंगे और किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको सर्कुलर शेप नज़र आएगा, और उसी को कहते हैं स्फीयर। और इसके अलावा हमारे पास हैं डिफरेंट बॉक्सेस। हैव यू सीन अ गिफ्ट बॉक्स? हैव यू सीन अ शूज बॉक्स? हैव यू सीन अ डाइस? यस ऑफ कोर्स, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो बॉक्सेस होंगे, है ना? आपको गिफ्ट मिला था बर्थडे पे, और वो कैसे पैक्ड था? ऐसे स्क्वायर पैक्ड। दैट इज कॉल्ड अ क्यूब, जो कि हर तरफ से स्क्वायर नज़र आता है। लेकिन स्क्वायर जो है वो आपको सिर्फ फ्रंट स्क्रीन पे एक बार नज़र आता है, लेकिन जो बॉक्स है, जो आपके हाथ में है, जो आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, वो हर तरफ से स्क्वायर होता है, और उसको कहते हैं क्यूब। शाबाश, हैव यू डन द कॉन्सेप्ट? गेट द कॉन्सेप्ट? शाबाश। और रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है? जो हर तरफ से रेक्टेंगुलर हो, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। यस, अगेन से विद मी, क्यूबॉइड। आफ्टर अ क्यूब देर इज अ क्यूबॉइड। एंड वाई क्यूबॉइड सेड? कि जो बॉक्स दो तरफ से लंबाई में बड़ा और चौड़ाई में कम होता है तो फिर इसको क्यूबॉइड कहते हैं। या फिर ईजीली आप इसको ऐसे समझ लें कि जो रेक्टेंगुलर शेप से बनेगा उसको कहेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, गॉट इट? एंड द अदर थिंग इज कोन। कोन आइसक्रीम खाई है ना? कोन आइसक्रीम खाते हुए आपने उस कोन को गौर से देखा है, जो कि ट्राइंगुलर होती है, ट्राइंगुलर इन शेप होती है, वो क्या है? जब हर तरफ से वो ट्राइंगुलर होगा तो उसको क्या कहेंगे? यस स्टूडेंट्स नो, इट्स अ पिरामिड। और अ, यस, इट्स अ पिरामिड फ्रॉम द कोन साइड। और वो कोन जो है वो ट्राइंगुलर शेप से बनी है, तीन डिफरेंट लाइन से बनी है। गॉट द कॉन्सेप्ट? शाबाश स्टूडेंट्स।
तो सर्कल टू प्लेस डायमेंशन है और थ्री प्लेस डायमेंशन कौन सी है? स्फीयर, शाबाश। स्क्वायर एंड दूसरी तरफ हम क्या पढ़ रहे हैं आज? क्यूब। रेक्टेंगल, क्यूबॉइड। द नेक्स्ट इज ट्राइंगल, द कोन। गॉट द कॉन्सेप्ट? दीज आर द टू डायमेंशनल शेप्स जो हमने पहले पढ़े थे एंड द अदर आर द थ्री डायमेंशनल शेप्स। द टू डायमेंशनल शेप्स कॉल्ड फ्लैट शेप्स एंड द थ्री डायमेंशनल शेप्स कॉल्ड, यस, दीज आर द सॉलिड शेप्स। गॉट द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स? इसी के साथ आप अपने घर में डिफरेंट चीज़ों को सर्च कीजिएगा और ऑब्ज़र्व कीजिएगा आपके पास कौन कौन से तरह की चीज़ें हैं। जो डिफरेंट बॉक्सेस मिलेंगे आपको वो क्यूब और क्यूबॉइड कहलाएंगे और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर चीज़ें होंगी, बॉल्स टाइप चीज़ें होंगी, वो आपकी स्फीयर कहलाएंगी। तो आपको चीज़ों को सर्च करना है, ढूंढना है और कैटेगराइज करना है। ये आपका होमवर्क है। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताइएगा कि आपने थ्री डायमेंशनल शेप का कॉन्सेप्ट लिया है और उनमें स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप का आपने कॉन्सेप्ट लिया है और याद कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।